राज खांडेकर मेरा वेलकम है फिफ्थ क्रॉस में, नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के यहाँ पे एक्वेरियम शॉप है और आज हम बात करेंगे ऑस्कर फिश के बारे में। सर ये कौन सा फिश है? ये गुरामी है। कितने को पेर है? ये हमारे यहाँ पे 80 रुपीज़ को पेर है। ओके okay. ये कौन सा फिश है? ये ऑस्कर फिश है। फ्रेश लग रहे हैं? हाँ ये ऑस्कर फिश है, न्यू आया है और इसमें हमारे पास अभी दो वैरायटी है, कॉपर ऑस्कर और अल्बिनो ऑस्कर। इसका मेंटेनेंस क्या क्या है सर? मेंटेनेंस नॉर्मल है सर, ऐसे कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, बट इनको जैसे क्लाइमेट चेंज होता है या कुछ होता है तो हीटर लगाना ज़रूरी है आपको, और इनको इरिगेशन जो है थोड़ा फास्ट रखना ज़रूरी है। और नॉर्मल मतलब थोड़ा एग्रेसिव फिश है, एग्रेसिव फिश के साथ एडजस्टमेंट हो जाता है। इसके टैंकमेंट्स कौन कौन सा है? इसके साथ कौन सा फिश रह सकता है? इसके साथ में आपको टिन फॉइल बार रख सकते हैं आप, पिराना पाकू पिरानाज रख सकते हैं आप, इसके साथ में शार्क रख सकते हैं। नॉर्मल शार्क तो सभी फिश के साथ एडजस्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिराना चलता है क्या? पिराना चलता है सर, पिराना चलता है, पाकू पिराना इसके साथ चल जाता है। रेड बेली पिराना थोड़ा एग्रेसिव रहता है तो रेड बेली पिराना नहीं चलता है, बट ब्लैक पिराना जो हम लोग पाकू पिराना बोलते हैं वो एडजस्ट हो जाता है सर। हमारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि उसमें इसके साथ गोरामी सभी रख सकते हैं क्या? गोरामी और मोलिस वगैरह छोटे छोटे फिश रख सकते हैं? नहीं एक्चुअली कैसा है, जैसा ऑस्कर का साइज बड़ा होते जाएगा वो फिश को मारते जाएगा, वो फिश को मार दे, ये एक्चुअली एग्रेसिव फिश है। इसके साथ आप चिकलेट्स रख सकते हैं, फिर टिन फॉइल बार्ब भी रख सकते हैं, और जैसे एग्रेसिव फिश है वो आप वैरायटी रख सकते हैं, इसके पैरेट फिश रह सकता है। हमारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि यूट्यूब में इसके ऑस्कर ऑस्कर हम जब भी टैंक में डालते हो तो प्लांटेशन करना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा मार लगता है थोड़ा? एक्चुअली प्लांटेशन नहीं करना चाहिए, फर्स्ट तो आपको प्लास्टिक का प्लांटेशन जो हम लोग करते हैं बहुत गलत बात है, किसी भी फिश के लिए प्लास्टिक का जो प्लांट लगाते हैं वो नहीं लगाना चाहिए, इनके फिश डैमेज होते हैं। और लाइव प्लांटेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये फिश जो है वो प्लांट खराब कर देगी, खा देगी। आपको प्लांटेशन के लिए फिश अलग से आते हैं, जो टेट्रा वैराइटीज़ है उसमें बहुत सारा वैराइटीज़ है। और इसका टेम्परेचर वगैरह क्या क्या रहना चाहिए? टेम्परेचर आपको सर जैसे है क्लाइमेट आपको ख़राब लग रहा है तो 30 पे हीटर सेट करके रख दीजिए, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ऑस्कर फिश सेट हो जाएगा तो आपको इसको ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस नहीं है, आपको सिर्फ फीडिंग टाइम पे करना है, बाकी इसको ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस नहीं है। और इसका फूड आप कौन सा डालते हैं? इसको फूड आप सर जैसे नॉर्मल आप जैसे जो देते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो दे सकते हैं, अगर आप लाइव फूड देते हैं तो वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, अगर लाइव कोचिंग फिश को हम लोग देते तो अच्छा है। और आपने लाया है वो ब्लैक वाला है ना? ये ब्लैक नहीं है सर, ये कॉपर ऑस्कर है, इसमें ब्लैक भी आता है बट ये कॉपर है, और वो जो है वो अल्बिनो है, इसमें मोजैक आता है, इसमें ब्लैक आता है, इसमें बहुत सारा वैरायटीज़ है। क्या रेट? इसमें रेड फायर भी आता है। ये हमारे पास सर 650 का पैर है, ये इनका बॉडी साइज मतलब ये करीबन 4-5 इंच के है, ये 650 का आपका पैर अवेलेबल हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, आप ऑस्कर के बारे में बोले इसलिए राज खांडेकर सर का चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ करिए सब्सक्राइब कीजिए। इनको बहुत डॉग का नॉलेज भी है और डॉग का भी हम बोलेंगे कैसा कैसा। ठीक है सर, बाय 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 फ्रेंड्स, थैंक यू राज सर, थैंक यू।